भारत में बनी, भारतीयों के लिए बनी, किसी भी तरह के चैलेंजिंग रास्तों को चीर कर चलने वाली, पूरी तरह से सॉलिड, मजबूत, रफ एंड टफ हमारी अपनी भारतीय देसी एसयूवी महिंद्रा बोलेरो अब आने वाली है BS6 इंजन के साथ। आने वाले अगले साल यानी कि 2020 के पहले या दूसरे या तीसरे महीने के दौरान इसे लॉन्च करा जा सकता है। अब ये आएगी अपना एक नया अवतार लेके, अपनी एक नई पहचान लेके, अपना एक नया रुतबा, अपना एक नया डिजाइन, सब कुछ। तो आइए जानते हैं इस देसी एसयूवी में 2020 में क्या नया आने वाला है। वैसे भी ये भारत में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली गाड़ी मानी जाती है अपनी सेगमेंट में। 2020 में इस आम आदमी की गाड़ी में देखते हैं क्या आता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। महिंद्रा फेसलिफ्ट 2020 में बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है। अभी तक ये गाड़ी BS4 इंजन के साथ आती थी, लेकिन 2020 में आपको इसमें BS6 डीजल इंजन देखने को मिल जाएगी, जो कि 2.5 लीटर डीजल इंजन रहेगा, जिसकी पावर 63 bhp एंड 195 nm का टॉर्क रहेगा। और ये इंजन पूरी तरह से BS6 के नॉर्म्स को फुलफिल करेगा, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही इसका दूसरा इंजन जो कि 1.5 लीटर डीजल के ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, और ये इंजन 72 bhp की पावर और 195 nm की टॉर्क पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि पूरी तरह से BS6 के नॉर्म्स को फुलफिल करेगा। और इसमें भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ बोलेरो भारत की पहली ऐसी गाड़ी बन जाएगी जिसमें डीजल इंजन BS6 के नॉर्म्स को फुलफिल करने की एबिलिटी रहेगी, और इसलिए आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी के बोलेरो के काबले डेफिनेटली बेहतर होने वाला है। इसके इंटीरियर में भी कई सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑल न्यू डैशबोर्ड विद ड्यूअल कलर टोन, 8 इंचेस का न्यू इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम डिस्प्ले जो एंड्रॉयड, एप्पल और नेविगेशन जैसे तमाम फीचर्स से लेस रहेगा। इसी के साथ रियर एसी वेंट, कप होल्डर, डोर्स में बॉटल होल्डर्स और भी भरपूर स्पेस इसमें आपको ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको सीटिंग एंड कम्फर्टनेस अभी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। अगर आप एक्सटीरियर में देखो तो इसमें आपको R16 एंड R17 इंचेस के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसकी फ्रंट प्रोफाइल आज के स्कॉर्पियो से थोड़ी बहुत इंस्पायर रहेगी, थोड़ी बहुत मिलची जुलची रहेगी। और साथ ही इसमें पूरी तरह से LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जैसे डे टाइम रेलिंग लाइट्स, फॉग लाइट्स, हेडलाइट्स और भी कई सारे जो LED लाइट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से LED रहेंगे। अब अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की, तो ये आने वाली नई बोलेरो भारत में सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करेगी, क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी के नाम पर ड्यूअल एयरबैग, EBD, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ब्रेक असिस्टेंट, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, इन जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स ऑफर्स करे जा रहे हैं। आने वाले समय में इसकी डायमेंशंस में शायद कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर प्राइस की बात करूँ तो जाहिर सी बात है ये BS6 में जो नॉर्म्स है उनको फुलफिल करेगी। तो अभी के बोलेरो के मुकाबले इस न्यू बोलेरो की जो प्राइस है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रहने वाली है। आंकड़ों की बात करूँ तो लगभग 8 से 11 लाख बताया जाता है जिसकी प्राइस होने वाली है। वैसे ये अंदाज है, फाइनल प्राइस तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। और लॉन्चिंग की बात करूँ तो 2020 के फेब या मार्च में इसे भारतीय सड़कों पर देखा जा सकता है। वैसे ये भी एक अंदाज है, ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी इस गाड़ी की हमारे पास मिल पाई है। जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, हमारे हाथ में मिलेगी, कुछ दिन हमें चलाने को मिलेगी, ओनर्स के रिव्यूज भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सभी अपडेट्स को पाने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कार है और बाइक है और आप चाहते हो कि उन सभी के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन या फिर सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।